हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू किंदर ब्यूटी चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपनी आईब्रोज और अपना फेस घर पर कैसे शेव करती हूँ और अपने खुद से ही अपनी आईब्रोज की देखभाल कैसे करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं एलोवेरा जेल लगा रही हूँ। इसमें सूदिंग प्रॉपर्टीज होती है जो आपकी स्किन को काम डाउन करती है और शेविंग के बाद जो इरिटेशन होती है स्किन पर वो नहीं होती। तो इसको लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक मोटी लेयर में लगा रही हूँ अपने फेस पर और उसके बाद एक स्पूली की सहायता से अपनी आईब्रोज की जो नेचुरल शेप है उसमें लेकर आ रही हूँ। आप इस टाइम पर आईब्रोज पेंसिल या कोई भी लिप लाइनर यूज़ कर सकते हो और जितनी भी आपको थिक चाहिए आईब्रोज उसकी उतना आप आउटलाइन कर सकते हो अपने आईब्रोज को, जितनी पतली चाहिए या जितनी मोटी चाहिए उसके हिसाब से। तो यहाँ मैं जितनी मुझे थिक चाहिए उसके हिसाब से मैं आउटलाइन कर रही हूँ। आपको सिर्फ आउटलाइन करनी है और उसके बाद आईब्रोज के ऊपर से हल्के हल्के शेव करनी है। ज़्यादा जोर नहीं लगाना अपनी स्किन पर। तो हल्के हल्के हाथों से आपको इस तरह से शेव करनी है। आप चाहे तो अपनी स्किन थोड़ी सी स्ट्रेच कर सकते हो, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करनी। और उसके बाद नीचे से आप जो रेज़र का ऊपर वाला पॉइंट होता है उसकी सहायता से आप जो एक्स्ट्रा बाल है उनको शेव करना है। आप देख सकते हैं, देखने से ज़्यादा समझ आती है। तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे जो ऊपर वाला पॉइंट है रेज़र का उसकी सहायता से जो एक्स्ट्रा बाल है सिर्फ वो निकाल रही हूँ। आपको जहाँ जहाँ आपने लाइन ड्रॉ की है उसके अंदर तक नहीं जाना है, नहीं तो आपके जो पतली हो जाएंगी आईब्रोज और शेप भी बिगड़ जाएगी। तो बाहर बाहर जो एक्स्ट्रा बाल है वही शेव करने हैं और आगे से आप कुछ इस तरह से शेव कर सकते हैं थोड़ी सीधी सी रेज़र करके, और सिर्फ हल्का हल्का शेव करना है, बाल आसानी से निकल जाएंगे। और या बस ये हो गया आपका। तो आपको यहाँ मैं फोरहेड शेव कर रही हूँ और आप बाद में भी कर सकते हैं फोरहेड शेव। पहले दोनों आईब्रोज कर लीजिए। दूसरी तरफ भी मैं सेम कर रही हूँ। पहले ऊपर से बाल अच्छी तरह से शेव कर रही हूँ और फिर नीचे से जो रेज़र का ऊपर वाला पॉइंट है उसकी सहायता से मैं एक्स्ट्रा बाल निकाल रही हूँ। यहाँ ध्यान रखना है कि आईलैशेस ना शेव कर दें, उनको थोड़ी सी दूर रखें अपने रेज़र से। और बस यहाँ अपनी आँखें, आप ये जहाँ जौन सी आईब्रोज आप कर रहे हो वो वाली आई बंद भी कर सकते हो और बस हल्के हल्के हाथों से रेज़र चलानी है और अच्छी तरह से आसानी से आपके बाल निकल जाएंगे। और उसके बाद फोरहेड शेव करना है। फोरहेड शेव करते करते नीचे की तरफ लेके आना है, जो आईब्रोज के बीच में गैप है उसको शेव करना है और उसके बाद नोज़ पर आ जाना है। नोज़ आप बिल्कुल ध्यान से हल्के हल्के हाथों से करनी है और कुछ इस तरह से अपनी रेज़र पकड़नी है और नोज़ को शेव करनी है। बस यही आसान तरीका है। इस तरह से अगर आप रेज़र पकड़ेंगे तो आसानी से नोज़ शेव हो जाएगी और जो एक्स्ट्रा डेड स्किन है या कोई भी पपड़ीदार स्किन है वो निकल जाएगी। और उसके बाद हल्की सी स्किन स्ट्रेच करनी है चीक्स करते हुए और हल्के हल्के हाथों से नीचे की तरफ लेके आनी है रेज़र और आप आसानी से बाल निकल जाएंगे। और उसके बाद लिप्स, जब आप कोई अपर लिप्स करते हो, थ्रेडिंग करते हो, सेम जैसे स्किन स्ट्रेच करते हो टंग की सहायता से वैसे ही करना है और शेव नीचे की तरफ चलाकर अपने जो बाल शेव करने हैं। बस आसान है बिल्कुल, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है फेस शेव करना। और नोज़ के अराउंड हल्के हल्का बस ऐसे शेव करेंगे तो जो डेड स्किन है वो निकलेगी। चिन में पर भी सेम आपको ऐसे थोड़ी सी स्किन स्ट्रेच करनी है और शेव करनी है। यहाँ पर वाइट हेड्स काफ़ी होते हैं कई लोगों के, मेरे भी हैं, तो आसानी से निकल जाएंगे। मैं थोड़ी सी नेक पर भी शेव करती हूँ, वहाँ मेरे पीच फज है। और उसके बाद शेविंग करने के बाद आपको एलोवेरा जेल लगानी है। इसमें मैंने बताया कि सूदिंग प्रॉपर्टीज होते हैं, आपकी स्किन को काम डाउन करती है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। और अच्छी तरह से लगाने के बाद एक मिनट ठहरने के बाद आपको फेस धोना नहीं है, सिर्फ ऊपर फेशियल ऑयल लगा लेना है। कोई भी आप कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल कोई भी लगा सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी लगा सकते हो। और उसके बाद बस ये हो गया आपका फेस शेव। इस टाइम मेरी क्लीन मेरी स्किन बिल्कुल ही क्लीन स्मूथ हो ही पड़ी है और मेकअप करने के बाद ये कुछ ऐसा लगता है। मेकअप भी काफ़ी अच्छी लगता है और आईब्रोज आप देख ही सकते हैं
कि कैसी लग रही हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बार आपको आप अगली वीडियो कौन सी देखना चाहेंगे। और मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।